पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन की रणनीति और सीटों के बंटवारे पर बात की। उन्होंने कहा, मैं कर्नाटक में कांग्रेस के साथ हूं, लेकिन वो बंगाल में मुझसे लड़ना बंद करें। यह पॉलिसी सही नहीं है। अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो त्याग भी करना होगा। सीएम राज्य सचिवालय नबन्ना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। ममता के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम बंगाल में ही क्यों, जहां जरूरत पड़ेगी वहां टीएमसी के खिलाफ लड़ेंगे। कर्नाटक के चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कभी कहा है कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दो। आज कांग्रेस की जीत के बाद ममता बनर्जी को लगने लगा है कि बिना कांग्रेस के बंगाल में उनका आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस पार्टी की पकड़ बढ़ती जा रही है। ममता ने कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं और न ही ज्योतिषी हूं। मैं नहीं बता सकती कि भविष्य में क्या होगा। आप लोग अंग्रेजी समझते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ। मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। हमें सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना होगा, जहाँ रीजनल पार्टी स्ट्रांग है वहाँ बीजेपी फाइट नहीं कर सकती, जहाँ लोग बहुत हताश और निराश हैं, जहाँ सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी है, जैसे कर्नाटक को ही देख लीजिए, वहाँ जनता ने अपना फैसला दे दिया। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, लोकतांत्रिक अधिकारों पर बुलडोजर चल रहा है, रेसलर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रीय पार्टी जहां मजबूत है उसे बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए, वहीं अन्य विपक्षी दलों को उस पार्टी की मदद करनी चाहिए। ममता ने कहा कि अगर हम बंगाल की बात करें तो यहां हम बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं, ठीक वैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। बिहार में नीतीश तेजस्वी साथ है, कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी उनका साथ दे सकती है, इस बारे में मैं फैसला नहीं ले सकती। इसी तरह चेन्नई, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा, बंगाल और पंजाब, यहां जनता ने मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टियों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां उन्हें आगे किया जाए, इसमें किसी अन्य पार्टी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें भी अन्य राज्यों में दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए।